जी बेटा, हम लोग कूल लाइट का थोड़ा इश्यू हुआ था, इस वजह से इंटरप्शन हो गई। जी बेटा, यहीं से बगैर रिस्टार्ट कर दें। और हमारा होमियोस्टेसिस का चैप्टर बेटा मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया, होमियोस्टेसिस को डिफाइन किया। होमियोस्टेसिस तीन कंडीशन पे, होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर, होमियोस्टेसिस ऑफ टेम्परेचर और होमियोस्टेसिस ऑफ फेज पे लिखे मैंने, ये तीनों यहाँ पे लिखे। और बेटा इसके अलावा होमियोस्टेसिस ऑफ प्लांट की बॉडी से किस तरह जो है वो निकलता है।
गटेशन बेटा, इन दोनों में फर्क है। अक्सर में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो उसमें बेटा आप ये बताएंगे कि ये प्लांट की लीव सर्फेस देते हैं और इसमें स्ट्रोमेटा, इन स्ट्रोमेटा के थ्रू वाटर का एवेपोरेटिव ग्रोथ होगा, वाटर क्रिएट करेगा अंदर से बाहर की तरफ, ये ट्रांसपिरेशन। कुछ लीव्स में वाटर के ड्रॉप्स मार्जिन पर आ जाते हैं, पत्ते के किनारे पर आ जाते हैं, वो वहां से ड्रॉप्स की शक्ल में पाए जाते हैं, इसको गटेशन बोलते हैं। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं गटेशन और ड्यू ड्रॉप्स जो है ना, जिसको शक्ल के कतरे कहते हैं, बट वो सेम है, सेम नहीं है। ये इसके मार्जिन पर इधर से आउटसाइड आते हैं और जो शक्ल के कतरे या ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, आपके एटमॉस्फेयर जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर पत्ते की सरफेस पर आकर घुल जाते हैं। और गटेशन हमेशा लीव सरफेस पर होती है, लीव सरफेस पर होती है, कुछ लीव सरफेस पर, जबकि ट्रांसपिरेशन जो है वो भी लीव की सरफेस पर होती है, लेकिन एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो नॉन लीविंग सरफेस पर भी होता है। आपकी गाड़ी की स्क्रीन पर हो जाता है, शीशे पर हो जाता है, बट बेटा कई सरफेस के ऊपर स्नो के टाइम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी के बहाव कंडेंस होकर गिरे हुए। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, बेटा ये मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली पौधे की बॉडी में मुख्य शक्ल में पाया जाता है, जिस तरह कोकम्बर खीरे के स्लाइस को काटा जाए, रख किया जाता है तो उसमें से वाइट ब्लड का एक वेस्ट निकलता है। ठीक है, वो उसका वेस्ट मटीरियल है मेटाबॉलिक। बेटा अक्सर पौधों की बॉडी के एक साइड मेटाबॉलिज्म के दौरान में कुछ वेस्ट मटीरियल बनते हैं और वो वेस्ट मटीरियल जो है वो पौधे की बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी से बाहर निकलते हैं, लेटेक्स। बेटा एक ऐसा वेस्ट मटीरियल है जो प्लांट की बॉडी में बनता है, कुछ प्लांट्स की बॉडी में, जिस तरह ये बर्ड का दरख्त होगा उसके अगर किसी ब्रांच को ब्रेक किया जाए तो उसमें वाइट कलर का एक मिल्की पेरस वाला एक मटीरियल निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। जिस तरह वेजिटेबल में भिंडी को अगर काटा जाए तो उसके स्लाइस जो है वो अक्सर नायर के सच पर जाते हैं, उसमें जो मटीरियल होता है वो उसका वेस्ट मटीरियल होता है। ठीक है, प्लांट की बॉडी में वेस्ट मटीरियल जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर बॉडी से बाहर आते हैं। और प्लांट की बॉडी में एक और मैकेनिज्म है, एक तरीकाकार है, जिसमें वेस्ट मटीरियल अंदर ज़्यादा होने की वजह से जब पत्ते येलो पड़ जाते हैं तो पत्ते जो है वो शेड हो जाते हैं, यानी कि लीफ फॉल होता है, दरख्तों से पत्ते येलो होकर गिर जाते हैं, वो वेस्ट मटीरियल को लेकर गिर जाते हैं, उनकी बॉडी से वेस्ट मटीरियल डम होता है। ठीक है, ये बेटा हमारी टीम जो सब एडिंग है कम्प्लीट हुई। उसके बाद हम बात करेंगे होमियोस्टेसिस इन एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन बींग। बेटा ह्यूमन बींग में होमियोस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू होता है। याद रहे कि होमियोस्टेसिस हमारे बॉडी में टेम्परेचर का भी है, वाटर का भी है, वेस्ट मटीरियल का भी है, लेकिन हमारी बॉडी में वेस्ट मटीरियल को बॉडी से निकालने का काम जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम का है। यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी के वेस्ट यानी कि यूरिया को जो कि ब्लड में चला जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। वाटर के साथ एक सोल्यूशन बनाकर जिसको यूरिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे बॉडी के एक साइड जो यूरिया है उस यूरिया को बॉडी से निकालने का अमल जो है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू होता है। और ये यूरिनरी सिस्टम बेसिकली कितनी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बेटा हमारे यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। किडनी,
हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को केयर ऑफ इम्यूनिटी, इस केयर ऑफ इम्यूनिटी के साथ मैं इसको मेंटेन करता हूँ बेटा। डैमेज किडनी यूरिटर, यूरिटर के साथ यूरिनरी ग्लैंडर, यूरिनरी ग्लैंडर ब्लैडर की कंडक्टर है, और यूरिनरी ग्लैंडर के साथ यूरिथ्रा। ठीक है, ये चार कंपोनेंट हमारे यूरिनरी सिस्टम को कंपोज करते हैं। मैं वन बाय वन करके यहां पे एक्सप्लेन भी करूंगा। फर्स्ट आप पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनीज, नंबर टू पेयर ऑफ यूरिनरी, ये वाली बातें जो है यूरिनरी के लिए, थर्ड बेटा यूरिनरी ग्लैंडर, यूरिनरी ग्लैंडर और फोर्थ का यूरिथ्रा। हम लोग इस तरह करते हैं कि एक टाइम पे इनको चारों को डिफाइन कर लेते हैं। किडनी, किडनी एक किडनी इज आवर स्ट्रक्चर व्हिच फिल्टर्स ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का, एंड मेक यूरिन, और यूरिन बनाने का काम भी किडनी का। ये मैंने किडनी का फंक्शन यहाँ पर। यूरिटर बेटा एक ट्यूब जो ट्रांसपोर्ट करती है, लेकर यहाँ से यहाँ किडनी से बनने वाला यूरिन इस ट्यूब के जरिए इस यूरिनरी ग्लैंड में है। ठीक है, और ट्यूब इन ट्रांसपोर्ट यूरिन टू यूरिनरी ग्लैंड, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा और यूरिनरी ग्लैंड। बेटा पहले यूरिनरी ग्लैंड एक बैग का स्ट्रक्चर है जो वक्ती तौर पर यूरिन को स्टोर करता है, उसके बाद यूरिथ्रा। बेटा यूरिथ्रा वो नाली जो यहाँ पर कटे हुए हुए यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल कर ट्रांसपोर्ट करती है, एलिमिनेट करती है, एस्क्रीट करती है, बॉडी से निकालती है। अच्छा, अब एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर इंटरनली तौर पर किडनी के इनसाइड जो है रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला दो पार्ट होते हैं। किडनी का आउटर रीजन जो कि डार्क रेड होते हैं इसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर रीजन रीनल मेडुला, और यहां पर रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं कॉर्न की शेप के एरिया में। इनमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन बेटा एक ट्यूब का नाम है, एक नाली का नाम है, बहुत छोटी होती है, और इसका काम जो है वो किडनी के इनसाइड रीनल आर्टरी के जरिए, क्योंकि रीनल आर्टरी और रीनल वेन दो खून की नाली है जो खून को किडनी के अंदर और किडनी से बाहर ले जाती है। तो रीनल आर्टरी की ब्रांचेस इस नेफ्रॉन के सराउंड करती है, और ये यूरिन बनाने में आसानी करता है। ये ब्लड इन नालियों के जरिए नेफ्रॉन में पहुंचता है, और नेफ्रॉन इस आने वाले ब्लड को फिल्टर करता है। इसको किडनी का फंक्शन बोलते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक बेटा तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन तीन स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन, जितना भी ब्लड यहाँ पे निकल जाएगा नेफ्रॉन के जरिए प्रेशराइज होगा, कुछ तो प्रेशर आएगा नेफ्रॉन से, बोमेन कैप्सूल्स का पहला हिस्सा, और सारा ब्लड यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू अपने आप को फिल्ट्रेट करेगा। जो मटेरियल यहाँ पर आकर बोमेन कैप्सूल में स्टोर होगा उसे बोमेन फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जैसे जैसे ये नाली बंद करती है यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा, उसके बाद
सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन को किसी को दोबारा से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा मोमेंट सब्सट्रेट को, और फिर किसका ग्लूकोफेनोलेट यानी कि इलेक्ट्रॉन का बंधन और हिस्सा ये ग्लूकोफेनोलेट कहलाता है, नीचे से ऊपर से नीचे और नीचे से दोबारा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो है ब्लड फॉर्मेशन का वो कहलाता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसमें ब्लड क्रिएटिनिन वगैरह का सेक्रेशन होता है जो लीवर से आते हैं बाय प्रोडक्ट वो ऐड होता है जिससे यूरिन का डिफरेंट कलर भी बाजार अपीयर होता है। ये वाला फंक्शन ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन के साथ रिलेट करता है, हमारा किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और इसको ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन कहते हैं। कैसे, हमारी बॉडी के इनसाइड जब वाटर की कंजर्वेशन का अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हमारा हाइपोथैलेमस हमें मैसेज देता है और हमें मजीद प्यास लगती है। जैसे ही मजीद प्यास लगती है तो हमारे किडनी से यूरिन बनने के बाद यूरेथ्रा से बॉडी से यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है और इस दौरान में वाटर का एक्स्ट्रा लेवल हमारी बॉडी के इनसाइड वो लेवल हो जाता है, यानी जब पानी की अमाउंट ज़्यादा होने लगती है तो यूरिन बनकर बॉडी से निकाल दिया जाता है और जब कम होने लगती है तो वो मजीद वाटर इनटेक करता है, प्यास होती है, हमारा हाइपोथैलेमस में मैसेज ऑर्डर करता है और हम मजीद वाटर को इनटेक करते हैं। इसको ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी कहते हैं। ठीक है, मैंने तमाम टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ किया। अब मैं इसमें जो मेन मेन टर्मिनोलॉजीज हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन शब्द में आ सकती हैं मैं उनकी छोटी सी लिस्ट बता दूँ और आपका कोई क्वेश्चन हो तो लेक्चर के बाद में एक सेशन होगा, आप मेरे से उसमें डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके मेन टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी सी एक लिस्ट बना देता हूँ और आपके जो मेन क्वेश्चन है उसको आप अभी लिख लें और जब मेरा सेशन होगा यानी लेक्चर के बाद आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बेटा नोट कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आ सकता है, डिफाइंड ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन या सिंपल ऑस्मोरेगुलेशन। अब आप ये ना समझिएगा कि हमारे स्मार्ट सेल्स में ऑस्मोरेगुलेशन का टॉपिक नहीं है। ऑस्मोरेगुलेशन आपकी किडनी या आपकी यूरिनरी रेगुलेटर से या यूरिनरी सिस्टम से रिलेट करता है, इसलिए आप उसको भी करेंगे आपका ऑस्मोरेगुलेशन या ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन आपका किडनी होगी। उसके बाद बेटा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन के तीनों टर्मिनोलॉजीज आप इसमें रिलेट करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी या ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन हमारी बॉडी में स्किन के अलावा जो है ये किडनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आगे ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में नेफ्रॉन आ जाता है, उसको डिफाइन किया जा सकता है, रीनल पेल्विस आ सकता है, रीनल कॉर्टेक्स आ सकता है, रीनल मेडुला आ सकता है। इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चन जो बेसिकली आपने टॉपिक्स में नॉन टॉपिक्स में हेडिंग वाइज लिए थे वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। डायग्राम आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लाने पता नहीं है क्योंकि बगैर डायग्राम के आप एक क्वेश्चन को एलैबोरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर बेटा कोई क्वेश्चन है उसको साइड पर नोट करके लिख के मैंशन करें ताकि जब मैसेज आपके क्वेश्चन को तो आप पूछ सकें। मैं आपको एक दो मिनट देता हूँ आप उसको नोट करें जल्दी लीजिए। जी अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में एक और जिस तरह आप लोगों ने फंक्शन ऑफ किडनी में यूरिन फॉर्मेशन देखा है, यूरिन दो कंडीशन में बनता है, जब यूरिया की कंसेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है तो वो यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक होता है और जब यूरिया कम और वाटर ज़्यादा हो तो वो हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, टू लिमिट्स या टू कंडीशन होता है यूरिन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक, नोट कीजिएगा बेटा कुछ और क्वेश्चन है उस साइड में लिखें ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। जी बेटा क्वेश्चन करेंगे अब मैं आपको टाइम देता हूँ सेशन, आप उसमें से क्वेश्चन करेंगे मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।